नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सेशन 2023-24 के बारे में। काफी ज्यादा लोग इसके लेकर सवाल कर रहे हैं, यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पहला किस्त कब तक आएगा और आएगा तो आएगा कितना पैसा आएगा, इसके रिगार्डिंग कोई नया अपडेट दीजिए। तो फाइनली विभाग की तरफ से एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है कि कब तक आपका पहला किस्त आ जाएगा और कितना पैसा आएगा, इसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है। और साथ साथ ही जो भी कैंडिडेट छूट गए थे, आवेदन नहीं किए थे या उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया था, उनके लिए भी एक नया अपडेट जारी किया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी नई नई योजना है, नई नई भर्तियां है, उसके रिगार्डिंग आपको हर एक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों जो भी यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 से रिलेटेड जो नई अपडेट निकल कर एक पेपर कटिंग के माध्यम से निकल कर, जो कि 1 नवंबर 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया, इसी में सारा जानकारी दिया गया है। तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा और लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिएगा। देख सकते हेडिंग में बताएगा पहले ही, यानी 5628 उद्यमियों को ट्रेनिंग के बाद दी जाएगी प्रोजेक्ट की पहली किस्त। यानी जो भी इस बार सिलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट कितना, तो 5628 यानी कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं जो उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के जस्ट यानी बाद पहली किस्त उनको दी जाएगी। तो अब इसमें बताया गया कि कब तक यानी कि आपका ट्रेनिंग खत्म कर लीजिएगा और कब तक पहला किस्त मिल जाएगा। अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और सारी जानकारी समझते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं या आवेदन कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहां से बताया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यानी कि 5628 उद्यमियों की ट्रेनिंग जल्दी शुरू की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में लोन की पहली किस्त मिल जाएगी। ठीक, यानी कि आपका सवाल यह भी था कि कब तक यानी कि लोन की हमारा पहला किस्त मिल जाएगा। तो इसमें बताया गया यानी कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह जो भी है, यानी कि 5 से 7 दिसंबर के बीच में, यानी कि 1-7 दिसंबर के बीच में आपका पहला किस्त जो भी है वो राशि भेज दी जाएगी। इसमें बताया गया कितना भी आपको मिलेगा, अभी आप वीडियो के एंड तक देखिएगा। बताया दरअसल सोमवार को हुई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में जुड़ी समिति के बैठक में बताया गया है कि 5628 आवेदकों को दस्तावेज सही पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो भी यानी कि इसका सोमवार को बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ये बताया गया कि जो भी कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है अच्छी तरीके से, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, जो कि कैंडिडेट की संख्या है 5628, जो कि आवेदक दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनमें से यानी कि बात करें तो 1500 की ट्रेनिंग के लिए 1 नवंबर से शुरू भी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि आपको कुछ दिन पहले हम एक वीडियो भी बनाकर जानकारी दिए थे कि 1500 कैंडिडेट का ट्रेनिंग भी 1 नवंबर से शुरू भी हो गई, जो कि आज से यानी शुरू कर दी गई है, जो कि हम शूट कर रहे हैं वीडियो 1 नवंबर को। तो आज से यानी 1500 कैंडिडेट की ट्रेनिंग शुरू भी हो जाएगी, इसमें बताया गया। अब चलिए और भी इसमें जानकारी दिया गया, बताया गया जैसे अधिकारी की जानकारी के मुताबिक 1528 आवेदकों के दस्तावेज में कमी पाई गई है। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट है, यानी बात किया गया अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है कि जो 1528 कैंडिडेट है उनके आवेदन में कुछ कमी पाई गई है और इनकी गलतियां आवश्यक स्तर पर है। ठीक है, यानी कि पेंडिंग में रखा गया है, जो भी गलतियां की हैं उनके पेंडिंग में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और इसे उन्हें सुधार के लिए एक मौका दिया जाएगा। हालांकि 520 आवेदक ऐसे हैं जो कि आवेदन गलत श्रेणी में कर चुके हैं। ठीक है, जो भी 520 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आवेदन तो किए हैं लेकिन गलत श्रेणी में चला गया, जैसे में जिले में आवेदन करने के आदि के कारण रद्द कर दिए गए हैं। रिक्त स्थानों हेतु प्राप्त आवेदन में से एक बार फिर कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से आवेदक को चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको लेकर फिर से जो भी कंप्यूटराइज के माध्यम से यानी लॉटरी के माध्यम से आपका आवेदन यानी चयन किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट यानी पेंडिंग में पड़े हैं उनको, ये बताया गया। तो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को। यहाँ देख सकते बताया आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सीएम उद्यमी योजना की प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका प्रथम किस्त है जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा तो उसका जो भी पैसा मिलेगा यानी कि 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, प्रथम किस्त में, और वो किस लिए दिया जाएगा तो देख सकते इस राशि का इस्तेमाल कार्य स्थल की तैयारी, जैसे कि बिजली कनेक्शन हो गया, अग्निशमन की सुरक्षा यंत्र के उपकरण आदि राशि खरीदने वगैरह के लिए यानी 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। चाहे आप कुछ भी बिजनेस तैयार कर रहे हैं, किसी के लिए आवेदन किए तो उसके लिए यानी कि आपको पहला किस्त जो भी होगा 1 से 7 दिसंबर के बीच में आपको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, जैसे बिजली कनेक्शन वगैरह जोड़ने के लिए, ये बताया गया।
बताया गया इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जिला उद्योग महाप्रबंधन को दिए गए हैं और सीएम उद्यमी योजना में अभी तक अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बात किया गया है जो भी यानी कि उद्यमी योजना का अधिकतम जो बात किया गया है यानी कि सीएम के तरफ से यानी कि 10 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें कि आपको 50% अनुदान होता है और दूसरी किस्त में परियोजना के निर्धारित मापदंड के अनुसार प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए दी जाती है। ठीक है, यानी जो भी आपका दूसरा जो किस्त मिलेगा, जो भी आप मशीनरी चीज के लिए बिजनेस मतलब शुरुआत किए थे, जिस भी लिए आवेदन के उसके लिए यानी खरीदने के लिए दिया जाएगा, और तीसरी किस्त कार्य स्थल के पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी और यह राशि डीपीआर के अनुसार होगी। और उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि सूची परियोजना के कैटेगरी और एक और कैटेगरी बी में 13 परियोजना मानी की जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें ये जानकारी दी गई, बस यही कुछ बेसिक जानकारी था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है और भी लोगों को जानकारी मिल सके।